आज हम हैं नागपुर में, मेरे एक किसान साथी हैं जो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में भी हैं, पराग लश्करे जी और प्रदीप गुप्ता जी हैं, जो बायो फर्टिलाइज़र और जो बायो से रिलेटेड दवाई होती हैं वो बनाते हैं और बहुत अच्छे रिजल्ट हैं उनके। तो मैं आज इनके यहाँ आया हूँ विजिट करने, देखने। तो ये इन्होंने यहाँ पर देखे बाउंड्री पर कई तरफ, चारों तरफ जो है ना पेड़ हैं, बाउंड्री और कुछ खेत में ये सागवान के पेड़ हैं। मैंने कहीं पढ़ा और सुना भी था कि सागवान का पेड़ अपने चारों तरफ 30 फीट तक ज़मीन को बंजर कर देता है। तो मैं ये देख रहा हूँ कि ये पेड़ स्वस्थ नहीं है। तो प्रदीप जी से चर्चा हो रही थी, आइए पूछते हैं प्रदीप जी, ये क्या है, ये जो इसमें क्या ये बात सही है जो मैंने कही है? जी बिल्कुल सही है। देखिए, ये सागवान का जो पेड़ है ये प्राचीन काल से लकड़ी के लिए बहुत प्रसिद्ध है। हाँ। और किसी को घर में अगर फर्नीचर बनाना है और उसकी अवस्था अच्छी है तो वो सागवान को प्रेफर करता है। लेकिन लकड़ी फर्नीचर के लिए जितना अच्छा है, उतना ही अगर आपकी बागवानी फसल या कोई भी फसल आपकी है, खेती कर रहे हैं, तो वहाँ की बाउंड्री पर होना ये वरदान नहीं, अभिशाप है। अब जैसे आप देख पा रहे हैं कि ये पेड़ पूरा क्षतिग्रस्त हो रखा है। हाँ, ये। अब आपने देख रखा है कि यहाँ पर ये पत्ता, मगर इसका ये देखते हैं ये। हाँ। तो ये देखिए, पहले आप ऊपर से देखिए कि ये पूरी जाली हो गई है। अब ये कैसा लग रहा है, जैसे लग रहा है किसी ने एसिड से इसको साफ किया है और ये जालियाँ दिख रही है, इसके फाइबर दिख रहे हैं। होता क्या है कि ये जो लार्वा है, यानी जिसको हम इल्ली कहते हैं, तो इल्ली के लिए ये होस्ट प्लांट है। तो जो मौत आई, उसने अंडे दिए यहाँ पर, और जैसे ही उसमें लार्वा निकलता है तो वो बहुत छोटे रहते हैं और वो क्या करते हैं, ये जो क्लोरोफिल है इसको खा लेते हैं पहले। तो आप देखिए उसने क्या किया, केवल जो क्लोरोफिल है उसको खा लिया और ये फाइबर छोड़ दिया। अब यहाँ पर जब वो फर्स्ट स्टेज उनकी पूरी हो गई और वो चलने फिरने लायक हो गए, तो यहाँ से वो नीचे उतरते हैं। तो अगर आपने कभी देखा तो वो पैरासूट जैसे उतरते हैं ना, धागा लगा के, वैसे धागे से नीचे उतरते हैं और आसपास की जो फसल है उसको नुकसान करते हैं। दूसरा, सागवान रेड माइट्स के लिए भी, यानी जो लाल मकड़ी जिसको कहते हैं महाराष्ट्र में, इसको कोली बोलते हैं, उसके लिए भी होस्ट प्लांट है। तो जहाँ पर ये प्लांट रहेगा, सागवान रहेगा, वहाँ आसपास के पौधों के ऊपर रेड माइट्स और लार्वा का भयंकर अटैक रहेगा। इसलिए जो आपने कहा कि 30 फुट की जमीन बंजर कर देता है, वो तो सही है, वो तो चलो 30 फुट हम दूर, लेकिन उसका क्या, वो तो 30 फुट तक ही करेगा, लेकिन ये तो उड़ के कितने मीटर तक या कितने फुट तक जाएगा उसका पता नहीं। और देखिए इसके पीछे और नई तरह की कुछ बीमारी दिख रही है। हाँ। मैं भी आज इसको पहली बार ही देख रहा हूँ कि यहाँ पर ये इस तरह की कुछ ये बीमारी है। ये देखने में ऐसा लग रहा फंगस है, फंगस नहीं है, ये भी एक तरह का शायद कोई कीट है। ये देखिए, हाँ, निकल और ये धीरे 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 इसको चूस रहा है, इसने पकड़ के रखा और यहाँ से छेद कर रहा है ये। अब यही क्या होगा, ब्लीडिंग होगी और ये आपकी फसल पे आएगी। आज तक आपने देखा कि आपकी फसल पे इस तरह की बीमारी आई नहीं, लेकिन नई नई बीमारी आ रही है। तो बीमारियाँ तो हम ला रहे हैं। ये जो सागवान है ये ज़्यादातर जो है ना, पहले जहाँ पर अधिक बारिश होती थी या पहाड़ी क्षेत्र था, वहाँ के लिए। जी जी जी। किसान साथियों, ये है एक उदाहरण, ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। यस। हर वो चीज़ जो चमकती है सोना नहीं होती। फर्नीचर बन जाएगा, घर में लग जाएगा, सोना लगेगा, लेकिन यहाँ पर ये अभिशाप से कम नहीं है। धन्यवाद।